Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me this opportunity to speak for the first time in this August House. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮಂಡ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನತೆಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್, ಥ್ರೂ ಯು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಕೈಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ and my constituency of Mandya, which is basically an agrarian district. Sir, we have had several deficit monsoons over the past few years, and this year we are looking at a huge water crisis and impending drought conditions which are already present in my region. This presents a very bleak scenario for my farmers, basically who are sugarcane and paddy growers, who already are caught up in a vicious cycle of inadequate pricing for their produce, defunct sugar mills, failure to repay bank loans, and the inability of the state government to fulfill loan waiver promises. Add to this the looming drinking water crisis and scarcity of fodder for cattle, and I fear we have a ready-made formula for hundreds of thousands of more of desperate farmer suicides, and we need to address this immediately. Through you, sir, I would earnestly appeal to the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, and the Honorable Jal Shakti Minister, and all the concerned authorities to provide immediate relief measures, compensatory measures, and heed their cries of help on an emergency scale. Sir, we have to save our annadata, give him back his right to dignity, right to live, sir. Otherwise, it is not just the monsoons which would be failing them, but we collectively would also be failing them. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind, Jai Karnataka. अभी दो महीने से वो नापता है सर. इसी घोटाले में 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपया निवेश हुआ है. अभी तक 40,000 मामले बेंगलुरु और अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं सर. अध्यक्ष जी, ये निवेशक बहुत गरीब लोग हैं. इसी में ज्यादा से ज्यादा लोग ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सब्जियां बेचने वाले और मजदूरी करके घर को चलाने वाले हैं. IMA में पैसा रखे थे सर, किसी ने बेटी के शादी के लिए रखे थे, किसी ने नया घर बनाने के लिए रखे थे, किसी ने बच्चे के पढ़ाने के लिए निवेश रखे थे. अभी उनके पास जमा पूंजी के रूप में सिर्फ 500 बाकी है सर. IMA, एक मिनट सर, बहुत बड़ा घोटाला है सर, सरकार शामिल है इसी में. IMA का मालिक मंसूर अली खान का रिश्ते कांग्रेस और JDS नेताओं के साथ भी है. इसी धोखाधड़ी मामले में कर्नाटक के JDS के एक मंत्री, कांग्रेस के विधायक, राज्य के बहुत सारे नेता एवं बहुत सारे अधिकारियों का नाम भी शामिल है सर. कल कल मंसूर अली खान ने दुबई में बैठ के एक वीडियो क्लिप जारी कर इस घोटाले में बड़े बड़े नाम व्यक्तियों का नाम की खुलासा किया है सर. IMA के MD मंसूर अली खान ने मंसूर अली खान का रिश्ता आतंकवादियों के साथ भी है सर. कर्नाटक सरकार ने श्री कल्याण बनर्जी, एक मिनट सर. कर्नाटक सरकार ने इसी घोटाले को जांच के लिए SID बिठा है सर, मगर निवासी एवं कर्नाटक की जनता SID पर विश्वास न कर रही है, क्योंकि स्वयं राज्य सरकार ये घोटाले में शामिल है सर. ऐसा लगता है राज्य सरकार इसी मामले पे जल्दी दबा देगी. ऐसे पहले हुआ था सर, बहुत केस को दबा दिया था ये कर्नाटक राज्य सरकार ने. इसीलिए मेरा मांग है कि ये मामले को CBI से जांच करवाना. निवेशकों को ज्यादा ब्याज देने का लालच दिया था, अभी दो महीने से वो नापता है सर.
इसी घोटाले में 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपया निवेश हुआ है। अभी तक 40,000 मामले बेंगलुरु और अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। सर अध्यक्ष जी, ये निवेशक बहुत गरीब लोग हैं, इसी में ज्यादा से ज्यादा लोग ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सब्जियां बेचने वाले और मजदूरी करके घर को चलाने वाले हैं। IMA में पैसा रखे थे सर, किसी ने बेटी के शादी के लिए रखे थे, किसी ने नया घर बनाने के लिए रखे थे, किसी ने बच्चे की पढ़ाने के लिए निवेश रखे थे। अभी उनके पास जमा पूंजी के रूप में सिर्फ 500 बाकी है सर। IMA, एक मिनट सर, बहुत बहुत बड़ा घोटाला है सर, सरकार शामिल है इसी में। IMA का मालिक मंसूर अली खान का रिश्ते कांग्रेस और JDS नेताओं के साथ भी है। इसी धोखाधड़ी मामले में कर्नाटक के JDS के एक मंत्री, कांग्रेस के विधायक, राज्य के बहुत सारे नेता एवं बहुत सारे अधिकारियों का नाम भी शामिल है सर। कल कल मंसूर अली खान ने दुबई में बैठ के एक वीडियो क्लिप जारी कर इस घोटाले में बड़े बड़े नाम व्यक्तियों का नाम के खुलासा किए है सर। IMA के MD मंसूर अली खान ने मंसूर अली खान का रिश्ता आतंकवादियों के साथ भी है सर। कर्नाटक सरकार ने श्री कल्याण बनर्जी, एक मिनट सर, कर्नाटक सरकार ने इसी घोटाले को जांच के लिए SID बिठाए सर, मगर निराशा ही है कर्नाटक की जनता SID पर विश्वास न कर रही है, क्योंकि स्वयं राज्य सरकार ये घोटाले में शामिल है सर। ऐसा लगता है राज्य सरकार इसी मामले पे जल्दी दबा देगी, ऐसे पहले हुआ था सर, बहुत केस को दबा दिया था ये कर्नाटक राज्य सरकार ने। इसीलिए मेरा मांग है कि ये मामले को CBI से जांच करवाना। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.